एग्जैक्टली दो दिन पहले यही स्पॉट पे एक स्टूडेंट और उसके दोस्त का काफ़ी भयानक हाल से, इनफैक्ट उनको गैंगरेप किया गया था और उनको मारा भी गया था। अभी तक अगर इन्वेस्टिगेशन फ्रंट पे आप हमको बता सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, बहुत सीरियसली कर रही है। सीएम साहब भी बहुत सीरियस है इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी बहुत सीरियस है, होम मिनिस्टर भी सीरियस है और मैं जो भी वैसा ये जो एरिया है, ये एरिया में उनका जो भी प्रूफ है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्रूफ मिला है वो तो गया है अभी चेक के लिए। तो 48 आवर्स हो गए फिर भी वो चल रहा है, जिसका जो भी टेक्निकली जो भी उनका मतलब मैं वो बता नहीं सकती कि मोबाइल का इशू हो क्या कुछ भी हो, तो वो तो चल रहा है। और मुझे विश्वास है जल्द से जल्द वो 6 लड़के भी मिल जाएंगे और उनको शिक्षा देने में भी हमारा सरकार पीछे नहीं हटेगा। मैम, अगर अभी आप देखेंगे तो आपके ही सरकार के होम मिनिस्टर जो है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर के चीफ है, उन्होंने ऐसा अभी इनफैक्ट काफ़ी नेग्लिजेंट केयरलेस स्टेटमेंट दिया है कि उन दोनों को इस जगह पे आना ही नहीं था। मैडम, आप एक वुमेन बन के आप ही मुझे बताइए कि अगर ऐसा स्टेटमेंट होम मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है तो ये कौन से तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनको ऐसा स्टेटमेंट बनाना मतलब आपको ठीक लग रहा है? नहीं नहीं, अभी तो 21st सेंचुरी में वुमेन और जेंट्स इक्वली है, सब फील्ड में वुमेन जो है, वुमेन के साथ जेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी काम कर रहे हैं, सभी फील्ड में हम देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे होम मिनिस्टर उस मतलब से कुछ गलत मतलब से वैसा कहा होगा। मैडम, क्या कहा है वो मैंने देखा नहीं आज। मैडम, उनका एक्चुअली एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था और इनफैक्ट यहाँ तक कि इवन ये रेप का जो वर्ड है उसको भी बहुत लूजली यूज़ किया गया है। बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन हमको रेप कर रही है और दूसरी बात ये कि उन दोनों को उस जगह पे जाना ही क्यों था। तो आपको ये सही लगता है मैडम, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट यही है? नहीं, वो आप बता रहे हैं मुझे, मैं सुन रही हूँ, मगर उनका जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली मैंने नहीं देखा, तो इसके बारे में मैं कुछ बात करूँ ये गलत लगता है। तो वो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं पहले, बाद में मैं उसके साथ बता दूंगी, मगर मुझे विश्वास है वो वैसा नहीं कह सकते, वो इतना लूज भी नहीं ले सकते क्योंकि वो होम मिनिस्टर है और एक एक्सपीरियंस मिनिस्टर है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा वो देख लूंगी, देखने से पहले मैं बता नहीं सकती। सॉरी। और मैम, लास्ट चीज़ ये कि आप भी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बन चुके हैं अभी प्रीवियस कैबिनेट में, आपके टाइम पे और अभी से, मैडम आपको नहीं लगता कि इंस्टेंसेस यानी इंसिडेंट्स जो अभी बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और विमेन का सेफ्टी अभी मतलब कर्नाटक में आप बोल सकते हैं कि है नहीं, क्योंकि ये पहला इंस्टेंस नहीं है। मैसूरु सिटी कल्चरल कैपिटल है, ये सेकेंड सच इंस्टेंस है। मंडे को भी आपने देखा एक आर्म्ड रॉबरी हुआ था, एक मर्डर हुआ था खुले आम। तो आपको नहीं लगता कि विमेन की सेफ्टी अभी काफ़ी ख़राब हो चुकी है स्टेट में? नहीं, वैसा कुछ नहीं, जो भी समाज में चलता रहता है ऐसा इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गए, तो जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या सोचना चाहिए, अभी भी वो सोच रहे हैं। सरकार की तरफ से अनेक स्कीम्स के माध्यम से वो चल रहा है अच्छा तरह से, मगर कहीं भी कौन सा भी इशू होगा तो एक दो ऐसा होते रहते हैं। तो आज और भी ज़्यादा ध्यान देके जो भी ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे सीएम साहब के साथ चर्चा करेंगे और वो हो सके इतना कम करने का प्रयास। और मैडम लास्टली, अभी विक्टिम्स का क्या स्टेटस है? आप गए थे उनसे एक बार मिलने के लिए, वो लड़की का और उनके दोस्त का अभी क्या हाल है? हॉस्पिटल में है वो, स्टेटमेंट देने के लिए वो लड़की अभी शॉप से निकली है, उनका क्या स्टेटस है? नहीं, मैं मिलने के लिए ट्राई की मगर उन्होंने ही बताया है कि वो घबरा गई है। आपको मालूम है जो भी फिजिकली और मेंटली क्या लगा होगा, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम मांगी है, तो अभी मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती। तो थोड़ा दिन उनको छोड़ना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल आ जाए और माँ बाप के साथ होते रहे दो दिन, बाद में हम उनको स्टेटमेंट देंगे। इसी तरह से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं। और गिरफ्तार कब तक हो सकता है? हो सके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे। मैं भी आज बातचीत करके आई हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, कमिश्नर से।
आपको क्या बता रही है और ये कब तक गिरफ्तार होगा? 2 दिन हो चुके हैं। मैं अभी स्पॉट विजिट करी हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत दुख होता है, मुझे भी बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए लगता है, मगर क्योंकि मैं भी एक विमेन हूँ तो उस बच्ची के ऊपर क्या बीता होगा ये मैं समझ सकती हूँ, और उनके पेरेंट के पेरेंट को क्या बता बीता होगा वो भी मैं समझ लेती हूँ। मगर अभी तो मैंने इधर सीएम साहब, हमारे जो भी है सीएम बसवराज बोम्मई जी है, सीएम साहब भी इसके बारे में बहुत सीरियस है, और उसी तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी मैं बातचीत करके अभी आई, और पुलिस कमिश्नर के साथ भी बातचीत करके आई, तो लड़के ने स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर उन्होंने FIR दाखिल किया है और ढूंढने का काम शुरू है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है। लड़की अभी भी घबराई हुई है, शॉक में है, तो उन्होंने ही बताया कि एक दो तीन दिन मैं कुछ नहीं बता सकती, और कल 11 बजे उनके पेरेंट्स भी आए हैं उसी के पास, पेरेंट्स भी उतना ही टेंशन में है, तो पेरेंट्स के साथ वो थोड़ा टाइम बिता देगी तो वो एक स्टेबल होके एक स्टेटमेंट दे सकती है, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मैं बातचीत कर किया है, तो 2 दिन के बाद वो स्टेटमेंट देगी, उसके ऊपर भी जो भी अगला इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होगा, मगर मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द वो लड़के पकड़ा जाएंगे और उनको जल्द से जल्द शिक्षा भी होना चाहिए, और उसके साथ मैं भी हूँ, वो लड़की को जितना न्याय मिलना चाहिए उतना मिलने के लिए मैं भी, हमारा सरकार सब उनके साथ है और वो करेंगे। मैडम आखिरी बात ये कि आपके ही सरकार के होम मिनिस्टर जो यानी कि अर्गज नानीजा जो है, उन्होंने आज काफी शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है कि दोनों विक्टिम को यहाँ पे ऐसे जगह पे आना ही नहीं था, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मतलब एक औरत हो के आप ही बताइए मैडम, ये एरिया रात में आने के लिए अगर अनसेफ है तो वो सरकार का जॉब है इसको सेफ बनाने का। हम 21st सेंचुरी में है, लड़का और लड़की इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मर्द भी उतना ही अच्छा तरह से काम करते हैं, हम वुमेन भी उतना ही अच्छा तरह से काम करते हैं, सब फील्ड में हम है, तो जो भी ऐसा सिचुएशन है तो अभी तो सरकार के तरफ से सभी जगह सीसी कैमराज वगैरह लग रहे हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारा काम चल रहा है सरकार की तरफ से, तो आज ये इंसिडेंट होने के बाद हमको लगता है कि ऐसे जगह में भी सिक्योरिटी होना चाहिए, तो पुलिस डिपार्टमेंट का व्हीकल भी यहाँ पे घंटे घंटे में घूमता है, फिर भी वैसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा हम अभी भी ध्यान देना चाहिए और देंगे आने वाले दिन में, विमेन सेफ्टी के लिए जरूर हमारा सरकार स्टेप लेगा। थैंक यू। तो लड़के का स्टेटमेंट दिया है पुलिस डिपार्टमेंट ने, FIR दाखिल किया है और वो प्रोसीजर शुरू है उनका ढूंढने के लिए, वो जल्द से जल्द पकड़ा लेंगे, और लड़की ने अभी स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि वो घबरा गई है, थोड़ा सा मेंटली फिजिकली वो डिस्टर्ब है, तो कल ही उनके पे ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.